हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सो माई सेल्फ ताराचंद, टीम मैथ सीएलसी सीकर। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा ही जो आपकी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है उसका 21वां पेपर, जो है आपका पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन और साथ में सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, तो वैसे ये वाला जो टॉपिक था हमने पहले भी एक उसमें डिस्कस किया था डीटीएस के अंदर, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसके बाद फिर से अपना ये रिवाइज हो गया था तो इस चैप्टर का टेस्ट आपका एक बार फिर से हुआ है, तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन। सो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। अमंग ऑल दी लाइन पासिंग थ्रू 3.1, देखिए 3.1 से पास होने वाली लाइंस, ठीक है, C3.1 विच इज द फार्देस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, वो ओरिजिन से क्या होनी चाहिए, फार्देस्ट होनी चाहिए, और कट एक्स एक्सिस एट ए एंड बी, देन द रेशियो बी सी बाई सी ए हैज दी वैल्यू। तो आपको बी सी अपॉन सी ए इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ठीक है, आपको बी सी अपॉन सी ए की वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट बी और ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी लाइन क्या होगी, और लाइन के लिए आपको पॉइंट दे रखा है लेकिन आपको स्लोप नहीं पता, तो आपको वो स्लोप निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ठीक है, तो दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए एक कंडीशन तो आपको दे रखी है कि 3.1 से पास कर रहा है, तो यहां से हमें मिलेगा वाई की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3m प्लस सी। अब देखिए क्योंकि ये ओरिजिन से आपको ये दिया गया है कि ये फार्देस्ट डिस्टेंस पे है, तो यहां से एक वेरिएबल को हम रिमूव कर सकते हैं सी को, दैट इज 1 माइनस 3m, ठीक है, और ये वैल्यू पुट करने के बाद में जो y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी mx प्लस c की जगह पुट कर दिया 1 माइनस 3m। अब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए इसकी अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें तो 0.0 से इसकी डिस्टेंस 0 पुट किया हमने, 0 y को भी उधर ले गए 0, सो 0 प्लस 0 1 माइनस 3m डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, ये इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी लाइन की, ठीक है ना। पॉइंट ओ से मान लेते हैं कि लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओपी है, तो ओपी की जो लेंथ है ये क्या है आपके पास, ये जो लाइन थी इसकी ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपकी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका ओरिजिन था ओ, और ये पॉइंट पी, और सी के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है वो कहीं पर भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि आपका पी वाला पॉइंट होगा, क्लियर है। सो चलिए देखते हैं देखे आगे। अब देखिए ये डिस्टेंस आपको मैक्सिमम दे रखी है, ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करें, तो ये मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको एक फंक्शन मान के इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखते हैं कितना आएगा डी बाई डी एम ऑफ ओ पी, और ये आ जाएगा आपके सामने कितना, ये आ जाएगा जब ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आएगा -3 × √1 + m² और माइनस साइन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाले एज इट इज, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 √1 + m² × 2m, और दिस डिवाइड बाई नीचे इसका स्क्वायर भी आएगा 1 + m², और मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखते हैं कि यहाँ से कितनी वैल्यूज मिल रही है, अगर एक ही वैल्यू मिलेगी तब तो उसी पॉइंट पर मैक्सिमम ही आएगा, और अगर एक से ज़्यादा मिल रही है तो फिर हम उसका एनालिसिस कर लेंगे। तो देखते हैं कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के आएगा 3 × 1 + m², और यहाँ पर इस माइनस साइन को बाहर निकाल दें, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 3m - 1, यहाँ से 2 कट गया आपका, ठीक, और ये 1 + m² इधर मल्टीप्लाई हो गया और साथ में है एक m, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए देखिए कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है -3 + -3m² + 3m² और -m विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए m की एक ही वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स इसी पॉइंट पर वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो m इक्वल टू -3 के ऊपर आपके पास में क्या होगा, मैक्सिमम आएगा, क्लियर है। तो अब देखते हैं कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन थी, ठीक है, उसके बारे में दोबारा। तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी वो थी y इक्वल टू mx प्लस c, और उसको हमने 3.1 से पास करवाया था, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी हमारी y इक्वल टू mx, m की वैल्यू -3, x प्लस c, c की वैल्यू कितनी आई थी,
एक बार दोबारा देखें, तो इसमें 3.1 पुट करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 माइनस 3m, m की वैल्यू माइनस 3 आई थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो इस तरीके से देखिए, जब ये x एक्सिस को कट करेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y 0 होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 10/3.0। ऐसे जब y एक्सिस को कट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये हो जाएगा 0.10। और ये है पॉइंट C, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और ये पॉइंट है आपका C। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए BC upon CA। तो क्योंकि हमें पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मान लेते हैं कि ये इसको m is to n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और कोई भी एक वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कितना आएगा। तो मैं n वाली वैल्यू निकाल लेता हूं। n वाली वैल्यू के लिए देखिए, इधर तो 0 आ जाएगा, उधर आ जाएगा 10m डिवाइड बाई m प्लस n विल बी इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने कितना, इसका y कोऑर्डिनेट तो कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। तो यहां से देखिए क्या आएगा, यहां से आपको मिलेगा 10m विल बी इक्वल टू m प्लस n, तो यहां से आएगा 9m विल बी इक्वल टू n। आपको किसका रेशियो पूछा है, BC upon CA। तो देखिए BC कितना है आपका n, BC कितना है n, और CA कितना है m। तो यहां से हम देख सकते हैं कि n बाई m का जो रेशियो होगा हमारे सामने वो कितना आ जाएगा, वो 9 आ जाएगा, जो कि आपका सही आंसर है। क्लियर है? तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे थे क्वेश्चन में, सारे अप्लाई करते हुए हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको दिया गया है कि द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजन टू द पॉइंट टू द कॉमन ऑफ दिस एंड दिस। देखिए ये कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और उसके साथ में एक ये लाइन है, ठीक है ना, ये कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थी, एक दूसरी कोई लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं कि वो लाइन ऐसी है, ठीक है। तो इस लाइन को ओरिजन से जब ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो इसके बीच का एंगल निकालना है आपको थीटा। आप सबको पता होगा कि जब ओरिजिन के सापेक्ष या ओरिजिन पर जब भी कोई भी दो लाइंस एंगल बनाती है तो हम क्या यूज करते हैं, होमोजिनाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पर भी वही करेंगे, इस लाइंस के थ्रू इसको होमोजिनाइजेशन करते हैं और देखते हैं कि जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन आएगी उनके बीच का एंगल कितना होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x - y / 2 विल बी इक्वल टू 1। So, चलिए बात करते हैं, 7x² + 8y² - 4xy, ये सब सेकंड डिग्री में, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, प्लस 2x के साथ में आएगा आपके सामने 3x - y / 2, माइनस 4y के साथ में भी आएगा आपके सामने 3x - y / 2, और तीसरी चीज आपके सामने जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज -8, इसके साथ में आ जाएगा 3x - y / 2 का ऑल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। अब इसमें से हमें सारी चीजें नहीं चाहिए एंगल निकालने के लिए, सबसे पहले हम a निकालेंगे, उसके बाद b निकालेंगे, और उसके बाद में जरूरत पड़ेगी तो h निकालेंगे, ज्यादातर काम a और b से ही हो जाता है। तो सबसे पहले a बात करते हैं, a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो देखते देखिए कितना आएगा, यहां पर आएगा 7 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 3x² वहां पर आएगा, तो वहां पर आएगा 3, y का कोएफिशिएंट देखिए फिर से 2 से 2 कट जाएगा तो -2 × something, सो देयर विल बी +2। अच्छा अभी x² का ही चाहिए हमें, ठीक है, तो x² का कोएफिशिएंट यहां तो आएगा ही नहीं, इसमें आएगा देखिए फिर से 9/4, तो 4 से 8 कट जाएगा 2, 9 × 2, सो देयर विल बी -18, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो 9/4 ये 2 टाइम कैंसिल होगा, 9 × 2 18, और बाहर माइनस साइन तो -18, तो 10 - 18 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ऐसे ही बी निकालते हैं, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो देखिए वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 8, इसमें वाई स्क्वायर आएगा नहीं, इसमें भी एक्स वाई आएगा, वाई स्क्वायर नहीं आएगा, इसमें आएगा देखिए वाई स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा +4/2, तो यहां से आएगा आपके सामने +2। इसके बाद आगे बात करते हैं, यहां पर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहां पर आएगा 1/4, और 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, तो यहां से आएगा वापस -2, तो इससे कैंसिल आउट होकर के ये आ गया मेरे पास 8। अब सबसे पहले जैसे ही a और b आते हैं तो हम इनको ऐड करके देखते हैं कि a प्लस b 0 तो नहीं हो रहा, तो बिल्कुल यहां पर a प्लस b 0 हो रहा है, और a और b का अगर सम 0 आ रहा है तो उसके बीच का एंगल कितना होता है मेरे पास, 90 डिग्री, तो यहीं से आपका आंसर सही हो जाएगा, दैट इज π/2। क्लियर है? अच्छा
यहीं से हमने क्यों कर लिया क्वेश्चन को, क्योंकि एच तो हम तब निकालते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है, और ये सबको पता होगा ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और बी क्या है आपके पास सामने, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अगर इनका सम जीरो आता है तो होमोजीनियस लाइंस के बीच का जो एंगल होता है, कोई भी लाइन हो होमोजीनियस अगर नहीं भी हो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स का सम अगर जीरो आ रहा है तो स्पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे पूछा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2.3 फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड अलोंग ए लाइन हैविंग इंक्लाइनेशन ऑफ 45 डिग्री। देखिए आपको एक कोई पॉइंट दे रखा है 2.3, ठीक है, इसकी आपको एक कोई दूसरी लाइन है उसे डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं निकालनी है। परपेंडिकुलर निकालना होता तो बहुत ईजी हो जाता, हमें निकालनी कैसे डिस्टेंस, एक कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रही है, मीन्स एम इक्वल टू कितना है उसके अंदर 1 है, ठीक है, उसकी स्लोप 1 है, उस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस हमें निकालनी है। और ऐसा जब भी करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, आप सबको पता होगा, हम पैरामेट्रिक इक्वेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस आर है, तो इस पॉइंट के थ्रू, और क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहाँ पर थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, और आपको थीटा ही दे रखा है वैसे तो 45 डिग्री, ये तो मैंने लिखा था यहाँ पैरेलल का, ठीक है। तो पैरामेट्रिक से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे पहले क्या होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, देखिए एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा, देयर विल बी 2 + r cos 45, कॉमा वाई वन प्लस आर साइन थीटा, 3 + r sin 45 √2। और ये जो पॉइंट P है आपका वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसमें पुट कर देते हैं, इसमें जैसे ही पुट करेंगे यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा आप प्लस की जगह माइनस यूज कर सकते हैं, उससे डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी आपको वेरिएबल टर्म यूज करनी होती है तो हम सिर्फ एक ही यूज करते हैं, दैट इज प्लस, आप चाहो तो माइनस वाला कर सकते हैं, आंसर चेंज नहीं होगा। 3 + r √2 और +9 विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए कितना आ रहा है, देखे यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, सो 2 × 2 = 4 प्लस यहाँ से आएगा √2r, यहाँ से आएगा -9, यहाँ से आएगा -3 √2 r और +9 विल बी इक्वल टू 0। तो ये तो कट जाएगा, इसमें एलसीएम ले लिया 2 − 3, सो देर विल बी 4 − r / √2। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 √2, क्योंकि इक्वल टू में कितना है इसमें 0, तो r की वैल्यू 4 √2 और r ही आपसे पूछा था, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी आपके सामने ये कितनी आ जाएगी, 4 √2, और आपका जो पहला आंसर होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि द मिरर इमेज ऑफ द लाइन दिस ऑन द लाइन दिस, ठीक है ना, एक लाइन दे रखी है आपको और उसका आपको दूसरी लाइन के ऊपर मिरर इमेज निकालना है। तो देखिए जब भी किसी लाइन या किसी कर्व का मिरर इमेज निकालना हो तो क्या तरीका होता है, ठीक है, देखिए इस लाइन के ऊपर इस लाइन की मिरर इमेज निकालनी है तो आप सबसे पहले इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इसके ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि एक्स तो मान के लेते हैं, एक्स तो आपको दिया है -2 है, और वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि के है या अल्फा मान लेते हैं, ठीक है ना, अल्फा, और इसकी आपको मिरर इमेज निकालनी है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है x + 2y − 3 = 0। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का लोकस निकालेंगे, ठीक है, इस पॉइंट का लोकस आएगा यहाँ पर, ठीक है, h, k, और h, k जब आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम वापस क्या करेंगे, इस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट कर देंगे तो हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं h, k की वैल्यू क्या होगी, तो h, k आएगा, देखिए h + 2 / mirror image का फॉर्मूला लगाएंगे 1, देयर विल बी इक्वल टू k − α / 2 विल बी इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे −2 + α, तो देखिए क्या आएगा −2 − 2 + 2α − 3 और डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा 1 + 4 = 5। तो देखते हैं h कितना आ रहा है, k कितना आ रहा है, तो h की वैल्यू आएगी, देखिए यहां से h विल बी इक्वल टू −2, ठीक है ना, h की वैल्यू है ये −2 उधर चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो −2 + 3 हो जाएगा 5 और −2 × 2 हो जाएगा −4α / 5
और साथ में प्लस 5 into 2, सो ये हो जाएगा आपके सामने +2, तो ये कट जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी आपकी h की वैल्यू आ जाएगी -4α/5, ठीक है ना। 2 कहाँ से कैंसिल आउट हुआ, -3 -2 प्लस -5 इंटू से 5 कट गया, -1 into 2 इज +2 और इधर -2 था वो, तो वो आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और ये बच जाएगा -4α/5। ऐसे ही k निकालेंगे, देखिए k की वैल्यू कितनी आ रही है, k विल बी इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो अल्फा -4 टाइम, ठीक है ना, 2 into 2 -4 और यहाँ से वही आएगा आपके सामने 2α -5/5। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वो एक छोटा सा पार्ट चेंज था, इधर से 2 मल्टीप्लाई होकर के अल्फा ऐड हो जाएगा। देखिए कितना आएगा इस बार, फिर से देखिए 5 से 5 को तो काट देते हैं, या चाहो तो एलसीएम ले लेते हैं। सो चलिए देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, तो यहाँ से आ रहा है 5k, इधर 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, सो देयर विल बी 5k विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने 5α - 8α, दैट विल बी -3α एंड 5 + 4, सो दैट विल बी 20, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में 5k की वैल्यू ये आ जाएगी। अब दोनों से हमें अल्फा को हटाना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं और देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ से देखिए 5 times k को पुट कर दिया y से, विल बी इक्वल टू -3 times α, अल्फा की जगह पुट कर सकते हो 5h/-4, सो -± + हो जाएगा, देयर विल बी 5h और डिवाइड बाई आपके सामने कितना आ जाएगा 4 और +20। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ लिख रहे हैं, तो देखिए 5 से डिवाइड कर देते हैं और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर तो आ जाएगा 4y विल बी इक्वल टू, यहाँ से 5 हट जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू का साइन है, 5 into 3, सो देयर विल बी 15, तो 5 हटने के बाद बचेगा 3x और वहाँ से उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 बच जाएगा साथ में आपके सामने 16। तो देखिए कितना आएगा, 4y - 3x विल बी इक्वल टू 16 और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इस पॉइंट का लोकस हो जाएगा और इस पॉइंट का लोकस ही आपके पास में क्या होगा, इस लाइन का इस लाइन के अंदर मिरर इमेज हो जाएगा, क्लियर है। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, हमारा 3rd जो कि सही आंसर है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि इफ द लाइन दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखिए सबसे पहले तो देखते हैं कि ये दोनों सर्कल्स कैसे हैं, क्योंकि इसमें एक ट्रांसवर्स टेंजेंट दी है, तो एक ट्रांसवर्स टेंजेंट तो आपके पास में इसी केस में आती है, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा है तो फिर आंसर एक से ज्यादा होने चाहिए, और नहीं तो आपके सामने ट्रांसवर्स टेंजेंट एक ही होगी और वो इस केस में आएगी, तो आपका ये केस बनना चाहिए। देखते हैं कि ये वाला है क्या, तो ये चेक करने के लिए सेंटर पहले का 0,0 और रेडियस कितनी है 2, दूसरे का सेंटर है 3√3, सी टू की वैल्यू 3√3, इसकी रेडियस कितने है आपके, इसका वाई कोऑर्डिनेट है 3, इसकी रेडियस की बात करें तो इसका स्क्वायर 9 into 3 = 27 +9 और -20 का रूट, तो 36 - 20 = 16, R2 की वैल्यू 4 आ रही है। C1 C2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वो 0 से कितने आ जाएगी, वो 36 का रूट, सो देयर विल बी 6। सो C1 C2 की वैल्यू 6 आ रही है और R1 2 R2 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि यही केस होगा आपका, C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर आ रहा है। और अगर ये केस है तो इसकी जो ये टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हो, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो आप S1 - S2 विल बी इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो इससे देखिए इसकी इक्वेशन क्या आ रही है, ठीक है। S1 - S2 से कॉमन टेंजेंट भी आ जाती है, कॉमन कॉर्ड भी आ जाती है, आपकी डिपेंड करती है कि सर्कल की पोजीशन कैसी है, किसी एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पहले में से दूसरे को ही हटा देते हैं, तो x²y² चले जाएंगे, आपके सामने आएगा 6√3x +6y विल बी इक्वल टू 4 और ये 20 उधर जाकर के -20 हो जाएगा, तो उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो हो जाएगा आपका +20। तो यहाँ से आपको मिलेगा √3x +y विल बी इक्वल टू 24/6, देयर विल बी 4। अब ये दे रखा है कि आपको ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन के आइडेंटिकल है, क्योंकि ये भी आपके साथ में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है और जो हमने निकाली वो भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, तो उसमें देखिए कॉन्स्टेंट टर्म 2 है, तो यहाँ पर 2 लाने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा √3/2x
प्लस 1 बाई टू वाई विल बी इक्वल टू 2। और अब अगर हम कंपेयर करें तो देखिए cos थीटा की जगह रूट 3 बाई टू या sin थीटा की जगह पर 1 बाई टू, तो दोनों ही केस में आपका जो आंसर आएगा कि cos थीटा रूट 3 बाई टू और sin थीटा 1 बाई टू कब होता है, एक ही केस में होता है जब थीटा कितना हो जाए आपका 30 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक ही केस में होगा क्योंकि जब दोनों पॉजिटिव भी है और साथ में आपके सामने, तो आपका आंसर हो जाएगा पाई पाई 6। देखिए sin थीटा की वैल्यू 1 बाई टू यहाँ पर भी है पाई 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 6 में, लेकिन cos थीटा फिर रूट 3 बाई टू नहीं होगा, ठीक है, आंसर एक ही होगा, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, हमें बोला गया है कि क्या बोला गया है कि स्ट्रेट लाइन L1 विद इक्वेशन दिस मेट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 एट बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए लाइन थ्रू बी परपेंडिकुलर टू L1 कट्स द वाई एक्सिस एट 0, t, देन वैल्यू ऑफ t इज। देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व तो कर सकते हो, मतलब तरीका लगा करके, मेहनत करके, ठीक है, लेकिन देखिए IIT का पेपर सॉल्व करने जा रहे हो ना, तो थोड़ा दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 आपका ये सर्कल है, ठीक है, क्या है ये सर्कल, और आपकी ये जो लाइन है इसके अंदर मैं अगर y को 0 पुट करूं तो इसके अंदर जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -10, 0। मीन्स जो L1 लाइन है वो आपकी यहां से ड्रॉ की जाएगी इसी पॉइंट से, और ये लाइन जब इसको कट कर रही है, ठीक है, जिस भी पॉइंट पर, आपको उसकी परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, ठीक है, तो ये जो पॉइंट दिया गया आपको B दिया गया है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो देखिए क्योंकि ये डायमीटर है आपके सामने x एक्सिस जो होगा, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है और यहां से परपेंडिकुलर लाइन अगर चाहिए तो वो लाइन तो यही लाइन होगी आपकी। यही लाइन क्यों होगी, क्योंकि हमने पता है कि डायमीटर से जो परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है ना, वो सर्कल के सर्क्यूम्फ्रेंस पे बनता है। इसका मतलब ये जो L1 लाइन है वो तो ये थी और L2 जो लाइन है ना वो इस वाले पॉइंट से पास कर जाएगी। ये -10, 0 था तो ये 10, 0 से पास कर जाएगी आपकी L2 लाइन। और स्लोप आपको पता है क्योंकि इसकी स्लोप अगर 1/2 है लाइन की, m इक्वल टू कितना है 1/2, तो L2 की स्लोप आप निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी -2। तो यहाँ से इसका जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा y-0 = -2 × x-10, सो y = -2x + 20। आपको क्या बोला गया है कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस पर अगर इस पॉइंट पे कट कर रही है 0, t पर, तो t की वैल्यू क्या होगी, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट को जब 0 करोगे तो y कोऑर्डिनेट 20 आएगा, जो कि आपका t की वैल्यू होगी, और t की वैल्यू 20 आपका कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, जो कि आपका सही आंसर है। क्लियर है बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये बोला गया है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल दिस आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A, B इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस इन द रेशियो 2:1, देन ए और बी का के अंदर कौन सी कंडीशन सही होगी ये हमें बतानी है। तो देखिए आपको क्या दिया है, देखिए A, B इसी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, और ये कोई एक्स एक्सिस है, इससे आपको क्या करना है कि इसके ऊपर आप दो डिफरेंट कोण खींच सकते हो, जो कि एक्स एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है आपकी 2:1 में डिवाइड कर रही है। अगर ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट अगर आपका A, B है, तो अब देखिए क्योंकि आपको दिया गया है कि ये x एक्सिस को इस तरीके से कट कर रही है, ठीक है, तो x एक्सिस पर अगर मैं इस पॉइंट को नाम अल्फा दे दूं, ठीक है, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो कितना होगा 0, और अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट α, 0 है और ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रही है, तो ये जो x, y जो इस सर्कल के ऊपर दोबारा लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम AB और अल्फा के फॉर्मेट में। तो देखिए बात करते हैं कि x और y की वैल्यू कितनी होगी, सो आपके सामने आएगा 2x + 8 / 2 + 1 = 3 विल बी इक्वल टू अल्फा, और साथ में आपके सामने आएगा 2y + b / 3 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू तो आएगी हमारे सामने 3α - a/2, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -b/2, और ये x, y आपका वापस लाई कर रहा है सर्कल के ऊपर, तो ये सर्कल की इक्वेशन को संतुष्ट करेगा या सेटिस्फाई करेगा। तो इसको अगर हम सर्कल की इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है,
एक्स की जगह पर 3α - a/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर बाय 4, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर b² / 4, माइनस ए एक्स माइनस ए टाइम एक्स की जगह पर 3α - a/2, और वापस आपके सामने y की जगह पर b/2, तो यहां से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस b² / 2 विल बी इक्वल टू 0। ये इसको संतुष्ट क्यों करेगा, क्योंकि ये पॉइंट भी इसी सर्कल पे लाई कर रहा है। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना मिल रहा है हमें। ठीक है, सो 4 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं 9α² + a² - 6α + b² यहां से एक 2 आएगा जो यहां मल्टीप्लाई होगा, सो -2a * 3α, सो देयर विल बी -6α वापिस यहां से आएगा 2 * 3, माइनस माइनस प्लस a² * 2, सो देयर विल बी 2a², और यहां से आपके सामने एक 2 फिर से आएगा, सो देयर विल बी 2b² विल बी इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, देखिए अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है और इसकी इक्वेशन मिलेगी हमें 9α², अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट, अल्फा का कोफिशिएंट -6a α - 6a α, सो ये हो जाएगा आपका माइनस का 12a α, और साथ में ए स्क्वायर की टर्म देखिए यहां पर आ रही है और यहां पर 3a² और b² की वैल्यू भी आपके सामने कहां कहां पे आ रही है, एक यहां पर और एक वहां पर 2b², तो यहां से मिलेगा आपको 3 a² + b² दैट विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए आपको यह बोला गया है कि इस पॉइंट से आप इसके ऊपर दो डिफरेंट कोड्स खींच सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसी अल्फा की दो वैल्यूज मिलेगी और अल्फा की दो वैल्यूज के लिए इसका डी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उससे पहले इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, सो 3α² - 4α + a² + b² = 0, और इस क्वाड्रेटिक का डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर इस पॉइंट से आप दो डिफरेंट कोड्स खींच सकते हो और वो तभी हो सकती है जब अल्फा की दो वैल्यूज हो, और अल्फा की दो डिफरेंट वैल्यूज होने का मतलब इसका डी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखते हैं कितना मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको 16a² - 4 * 3, 12 a² + b², ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा, 16 - 12a², सो या पहले आप इसको चाहो तो 4 से डिवाइड कर दो, सो देयर विल बी 4a² - 3a² - 3b² विल बी ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा आपके सामने a² विल बी ग्रेटर देन 3b². तो इसके लिए आपके सामने ये कंडीशन करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपके सामने क्या हो पाएगी, दो डिफरेंट कॉर्ड्स आ पाएगी पॉइंट a, b से। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, हमारा पहला ऑप्शन जो कि आपका सही आंसर है। क्लियर है बच्चों, तो ये हमने जितने भी हमारे सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं, आगे स्टार्ट करते हैं हम मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस। सो चलिए मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस से पहले हमारे सामने कुछ दो पैराग्राफ्स है तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला पैराग्राफ देखिए क्या है, ये आपका फैमिली ऑफ द लाइन से रिलेटेड है, ठीक है, और फैमिली ऑफ द लाइन्स के बारे में दिया गया है जो आप सबको पता होगा पहले से कि फैमिली ऑफ द लाइन क्या होती है। फैमिली ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 = 0 एंड L2 = 0 कैन बी गिवन बाय दिस, ये आप सबको पता है कि ऐसे लिख सकते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 = 0 एंड L2 = 0 इज कॉल्ड द फिक्स्ड पॉइंट फॉर द फैमिली, इसका फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं हम लोग। तो नाउ गिवन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये दे रखा है कि 2a + 3b + 4c = 0, देन द फैमिली ऑफ द लाइन दिस पास थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। तो देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, एक तरीका तो ये होता है कि आप इस कंडीशन के थ्रू इसको लिखो L1 + λ L2 = 0 और उसके बाद कंपेयर करो। दूसरा तरीका देखिए, इसके अंदर एक चीज आपकी कांस्टेंट होती है और वो होता है c, तो ये जो c है ना, इस c के फॉर्मेट में इसको भी लिख लो तो अब आपको पता चल जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 2/4a + 3/4b + c = 0। तो एक तो ये लाइन है आपके पास और दूसरी लाइन है ax + by + c = 0। तो देखिए c को हमने सेम बना लिया, यहां पर भी c है और यहां पर भी c है, तो अगर ये चीज सेम है तो जो आपका पॉइंट होगा जहां से आपकी जो लाइन पास होगी, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है, जो यहां पर x और y की जगह पर कंपेयर करने से जो वैल्यूज आएगी, तो कंपेयर करने से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और y की वैल्यू आ जाएगी 3/4।
ठीक है, और यही आपका आंसर होगा, जो आपका जो फिक्स पॉइंट होगा ना वो यही होगा। आप उस तरीके से पूरा सॉल्व करके निकालेंगे तो भी आपको यही मिलना है और सीधा आंसर भी यही है, और ऐसा आपका पहला ऑप्शन है जो कि 8th क्वेश्चन के अंदर आपका सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अगेन फैमिली ऑफ इसी पैसेज से है हमारा, ठीक है, तो इसी पैसेज के थ्रू हमें इसको सॉल्व करना है। पैसेज वही दिया गया है तो सीधा पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 टू द लाइन दिस इज जीरो। तो देखिए अगर एल्जेब्रिक सम जीरो है तो 1, 2 से जब इसमें हम एल्जेब्रिक डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा a प्लस 2b प्लस c, डिवाइड में भी आएगा लेकिन वो जीरो की तरफ चला जाएगा, उसका कोई काम नहीं रहेगा। ऐसे 3a प्लस 4b से आएगा 3a प्लस 4b प्लस c, ऐसे ही आपका 5, 6 से आएगा, सबसे निकाल लीजिए 5a प्लस 6b प्लस c, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7, 8 से निकालेंगे तो 7a प्लस 7a प्लस 8b प्लस c, और 9, 10 से निकालेंगे तो 9a प्लस 10b प्लस c विल बी इक्वल टू जीरो। तो डिवाइड में आएगा ना सब में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो जीरो के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं देखिए कितना आएगा। एक तरीके से आपको इन्हीं नंबर्स को ऐड करना है, 3 + 1 = 4, 5 + 4 = 9, 9 + 7 = 16 और 16 + 9 = 25। तो पहली टर्म आएगी आपके सामने 25a, ठीक है। इसी के साथ में जो सेकंड आएगा आपके सामने वो कितना आ रहा है, देखिए सेकंड वाली जो टर्म आ रही है वो आ रही है 4 + 2 = 6, 6 + 6 = 12, 12 + 8 = 20 और 20 + 10 हो जाएगा आपके पास 30b, और साथ में सी वाली टर्म आएगी आपके सामने, देखिए कितना आएगा, सी प्लस सी 2c प्लस सी 3c प्लस सी 4c प्लस सी 5c, सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कितना आ रहा है आपके सामने, इसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे, 5 से, क्योंकि हमें सी बनाना है, तो ये बन जाएगा 5a प्लस 6b एंड प्लस सी विल बी इक्वल टू जीरो। और इसका अगर उसके साथ में आप कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, तो आपको जो स्तर बिंदु मिलेगा, ठीक है, कौन सी लाइन के साथ में, इस लाइन के साथ में, तो x और y की जगह पर कितना आ रहा है, x की जगह पे 5 आ रहा है और y की जगह पे 6 आ रहा है, तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका दूसरे नेक्स्ट पैसेज से है, और इस पैसेज में देखिए क्या है आपके सामने, कंसिडर ए फैमिली ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 7 एंड 6, 5। तो आपको बताना है इन क्वेश्चन के आंसर, ठीक है, इन दो पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की जितनी भी फैमिली है, तो दो पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की फैमिली कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे इन्हीं दोनों पॉइंट की हेल्प से डायमेट्रिक फॉर्मेट में, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस y माइनस 7 इंटू y माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम, इन दोनों पास पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन जो आएगी आपके सामने, y माइनस 5 विल बी इक्वल टू 5 माइनस 7 दैट इज माइनस 2 डिवाइड बाई 6 माइनस 3 इज 3 इंटू एक्स माइनस 5 यूज किया तो 6 यूज करेंगे इधर वाला पॉइंट, तो आपको मिलेगा 3y माइनस 15 विल बी इक्वल टू माइनस 2x और साथ में आएगा प्लस 12। तो क्या आएगा इक्वेशन, आपका इक्वेशन आ जाएगा 2x प्लस 3y, इसको भी इधर ले आए तो माइनस 27 विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू जीरो। एक बार कैलकुलेशन देख लें दोबारा, कहीं आगे चल के कोई गलती ना हो, x3 x6 y7 y5 इक्वेशन के लिए y माइनस 5 7 माइनस 5 5 माइनस 7 माइनस 2 6 माइनस 3 इज 3 x माइनस 6 3y माइनस 15 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 12, इसको इधर ले आए सो 2x प्लस 3y और 12 को इधर ले आए माइनस 27 इक्वल टू 0। ये आपकी फैमिली ऑफ दी सर्कल्स होगी, ये इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली सारी फैमिलीज को रिप्रेजेंट करेगी। चलिए आगे क्या बोला गया है, नंबर ऑफ सर्कल्स विच बिलोंग दी दिस फैमिली एंड आल्सो टचिंग द एक्स एक्सिस। देखिए ये फैमिली जब x एक्सिस को टच करेगी तो इसमें y जीरो हो जाएगा, और इसमें जब y जीरो करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 9x
वाई तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 18, यहाँ से आ जाएगा 35, इसमें वाई जीरो कर देंगे तो 2 लैम्डा टाइम एक्स और माइनस का 27 लैम्डा इक्वल टू जीरो। ये वो फैमिली है जब आपके सामने ये क्या करेगी, एक्स एक्सिस को टच करेगी। और देखिए अगर ये इक्वेशन आपकी एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो इसका डी कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जब आप डी को जीरो करोगे तो यहाँ से देखिए आपको जो लैम्डा की जो दो वैल्यूज मिलेगी, ठीक है, आपको चेक करना है कि वो दोनों आइडेंटिकल है या डिफरेंट है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जब हम निकालेंगे तो वो आएगा आपका 2 लैम्डा माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए तो 1 है, सी आएगा आपके पास में 18 प्लस 35, 35 प्लस 15, 53 माइनस 27 लैम्डा। तो इसको सोल्व करने से आपको लैम्डा की दो डिफरेंट वैल्यूज आएगी, आप चेक कर सकते हो सोल्व करके, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 दोनों की दोनों कैसी आएगी, डिफरेंट आएगी। और दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है दैट मीन्स, और दोनों रियल आ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम लैम्डा की दो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको ऐसे दो सर्कल्स पॉसिबल है, तो आपके सामने सेकेंड ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं इसी पैसेज का नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि पहले एक बार मिटाते नहीं, हो सकता इसमें से कोई काम की जरूरत हो। इफ ईच सर्कल इन द फैमिली द सर्कल दिस देन ऑल द कॉमन कॉर्ड पास थ्रू द फिक्स पॉइंट। अब देखिए इस इसकी जो भी फैमिली होगी, ठीक है ना, जो भी फैमिलीज आएगी आपके सामने, ठीक है ना, वो एक किसी फिक्स पॉइंट से पास करेगी, ठीक है, और वो जो फिक्स पॉइंट से पास करेगी तो उस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। तो देखिए आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने क्योंकि वो जो क्वेश्चन था ना उसके अंदर आपके सामने क्या था कि y जीरो था, क्यों, क्योंकि वो x एक्सिस को टच कर रहा था। बट इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि ये जो है सर्कल आपका x एक्सिस को टच कर रहा है। तो चलिए एक बार दोबारा ही लिखते हैं पूरा, ठीक है ना, ताकि जो चीज़ की जरूरत होगी, ठीक है ना, वो लिखेंगे, बाकी की नहीं। तो वापस सर्कल की इक्वेशन लिखी हमने, तो हमें मिलेगा एक्स माइनस 3 x माइनस 6 प्लस y माइनस 7 इंटू y माइनस 5 एंड प्लस लेमडा टाइम, जो हमारी इक्वेशन आई थी वो हमें दोबारा देखनी पड़ेगी क्यों मिटा दी हमने, y माइनस 5 विल बी इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स माइनस 6। हाँ, तो यहाँ से इसकी इक्वेशन आई थी 2x प्लस 3y माइनस 27 विल बी इक्वल टू 0। अब ये जो फैमिली आ रही है यहाँ से, इसकी और इसकी जो कॉमन कॉर्ड है वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, तो उस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने की क्या होंगे। तो देखिए इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चला जाएगा, देखिए फिर से माइनस 4x, और इधर या एक काम करते हैं इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, किसी से को भी करो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ताकि लैम्डा पॉजिटिव रह जाए। 2 लैम्डा आएगा x का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चला जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है आपके सामने माइनस 18 माइनस 9 6 माइनस 3 दैट इज माइनस 9, और साथ में आपके सामने वहां पर माइनस 4 है तो उसको वो एड हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके सामने x का कोएफिशिएंट प्लस y का कोएफिशिएंट। y का कोएफिशिएंट देखते हैं कितना आएगा, यहां से 3 लैम्डा, यहां से आएगा 7 प्लस 5 माइनस का 12 और वो प्लस हो जाएगा 6, तो ये आपके सामने y का कोएफिशिएंट आ जाएगा। और साथ में आएगी आपके सामने कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म नीचे वाले में कितना आ रहा है, देखिए 18 प्लस 35 देयर विल बी 53 माइनस 27 लैम्डा और ऊपर से आ जाएगा आपके सामने प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0। तो इस लाइन को देखिए हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लैम्डा के कोएफिशिएंट्स को अलग कर लें, बाकी को अलग कर लें। तो देखिए यहां से आएगा माइनस का 5x, यहां से आएगा आपके माइनस का 6y अगर कॉन्स्टेंट टर्म की बात करें, और यहां से आएगा प्लस का 56, ये एक लाइन हो जाएगी, और प्लस लैम्डा टाइम दूसरी लाइन इधर से 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो ये जो दोनों लाइन है आपके सामने L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0, ठीक है, तो L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा आपका वही आपका आंसर होगा। इन दोनों लाइंस को अगर आप सोल्व करते हैं तो आपको ये सेकेंड ऑप्शन मिलेगा जो कि आपका सही आंसर होगा 2,23/3। ये कौन सी दो लाइन का सॉल्यूशन है, एक आपकी ये जो लाइन आई L1 और दूसरी आपकी ये जो लाइन आई है L2, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। क्लियर है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन देखते हैं,
इफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ए बी एंड सी आर दिस, देन हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, जब भी ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स आते हैं तो सबसे पहले हम डिस्टेंसेज निकालते हैं। ए बी कितनी आ रही है, ए बी की लेंथ होगी हमारे सामने 7 + 5, देयर विल बी 12, सो 144, और साथ में आएगा हमारे सामने 6 + 2 = 8, सो देयर विल बी 64। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए कितना आएगा, 4 + 4 = 8, 14 + 6 = 20, 208। ऐसे ही बी सी निकालते हैं कितना आएगा, देखे बी सी की लेंथ आ रही है हमारे पास में 7 - 5, देयर विल बी 4 + 6 + 4, देयर विल बी 100, सो 104। और ऐसे ही हम ए सी लेंथ निकालते हैं तो ए सी कितना आएगा, देखिए एक ही सीज से 5 - 5, देयर विल बी 10, सो ये 100 हो जाएगा, और साथ में -4 - 2, देयर विल बी अगेन 4, सो दिस विल बी इक्वल टू 104। तो देखिए दो लेंथ सेम आ रही है और इन दोनों के स्क्वायर का सम तीसरा आ रहा है, दैट मींस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इन तीनों से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ए बी जिसमें हाइपोटेनियस के पॉइंट्स होंगे, मीन्स ए और बी आपके पास में ये पॉइंट्स है और पॉइंट सी आपके पास में ये है, जो कि राइट एंगल वाला पॉइंट होगा। राइट एंगल क्यों होगा, क्योंकि इसका और इसका स्क्वायर का जो सम है ना वो कितना आ रहा है, उसके इक्वल आ रहा है। इनके पॉइंट्स हमें दिए गए हैं -5, -2, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट से 7, 6, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 5, -4। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस को क्या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ द एंगल बी इज 5/4। तो देखिए ये राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल बी 5/4 होंगे, 45 डिग्री के होंगे, तो एंगल बी जो होगा उसका मेजरमेंट बी 5/4 होगा। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में आपको बोला गया है कि द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स सी हैज द इक्वेशन दिस। इसके लिए तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी दूसरे ऑप्शन के लिए, तो यहां से आपको इस ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है जो पॉइंट सी से पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन आएगा, देखिए y + 4 विल बी इक्वल टू स्लोप, और स्लोप निकालेंगे क्योंकि ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा 6 + 2 = 8 डिवाइड बाई 7 + 5 = 12, तो इसकी स्लोप है आपके सामने 2/3, और इसकी स्लोप अगर 2/3 है तो उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी आपके सामने -3/2 और x - 5। इसको सोल्व किया तो देखिए हमें मिलेगा 3x + 2y, ये इधर आ जाएगा, इधर आएगा 8, उधर आएगा 15, तो उसको उधर ले जाके सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3x + 2y = 7। और बिल्कुल आपको देखिए यही ऑप्शन दिया गया कि इसके ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन ये है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर होगा वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बात करते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरे के अंदर देखिए ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल डज नॉट लाई इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी, दिखाई दे रहा है इसका ऑर्थो सेंटर कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट सी होगा जो ट्राइंगल के अंदर नहीं होगा, तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथे के अंदर आपसे पूछा कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4√13/3। तो देखिए इसका जो सेंट्रोइड होगा, अगर हम इन तीनों वर्टेक्स से बात करें पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स, तो वो आएंगे आपके सामने 5 - 5 जीरो हो जाएगा, सो देयर विल बी 7/3 और कोमा 6 और यहाँ पर -4 - 2 दैट इज -6, तो ये जीरो हो जाएगा, सो 7/3, 0। और इसका जो सरकम सेंटर होगा वो होगा बी सी, बी ए का मिड पॉइंट, तो ए और बी का अगर मिड पॉइंट की बात करें हम, तो सरकम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, वो आएंगे आपके पास 7 - 5 = 2, देयर विल बी 1, 6 - 2 = 4, तो ये आ जाएगा आपके सामने 2। तो ये आपके पास में जी और ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ से देखिए जी ओ जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, वो आएगी आपके सामने 7/3 - 1, देयर विल बी 4/3, 16/9 + 4, 9 × 4 आ जाएगा 36, और 36 + 16 आ जाएगा 52/9 का रूट, और 50/9 का जो रूट होगा वो आएगा आपके पास में 2/3 × √13, जबकि हमें दिया है 4√13/3, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि आंसर कितना आएगा, 2/3√13 आ जाएगा, तो जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सही नहीं होगा। ठीक है, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरीके से आपको एक एक चीज का एनालिसिस अच्छे से करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर टू में आपको बोला गया है कि ए एंड बी आर दी टू फिक्स पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर 3, 2
एंड 5.4 रेस्पेक्टिवली, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इफ ए बी पी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए ध्यान से, ये जो दोनों पॉइंट्स है आपके सामने, ठीक है ना, ये एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं इस तरीके से, 3.2 उसके कोऑर्डिनेट्स है और साथ में 5.4 इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो इन दो पॉइंट्स के अलावा हमें एक पॉइंट और लेना है पी, ठीक, और जिससे हमें क्या करना है, इस पे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनाने हैं। तो एक ट्राइंगल इधर बनेगा और एक ट्राइंगल आपका इधर बनेगा, दो ट्राइंगल बन सकते हैं। और इस तरीके से पॉइंट पी के आपके पास में दो पोजिशन पर कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। अब वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके अंदर जो ये पी और पी डैश जो लाई करेंगे ना, वो बिल्कुल इस तरीके से इसके जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी और इसके जो मिड पॉइंट से पास करेगी, ठीक है ना, उसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे। और इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो ये मिड पॉइंट है, सो 5 + 3 = 8/2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 4, 4 + 2 = 6/2, दैट विल बी 3, 4, 3। और साथ में हमें ये डिस्टेंस भी चाहिए होगी, कौन सी डिस्टेंस, ओपी डिस्टेंस चाहिए होगी, पॉइंट ओ की पॉइंट पी से डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस क्या होगी, इसके लिए हमें इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड लेंथ निकालते हैं। तो इसकी जो साइड लेंथ होगी, जो आपको ये जो दो पॉइंट्स दिए गए इनके बीच की दूरी मान लेते हैं ए बी है, ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक है, और शायद आपको दिया भी है, हाँ ए और बी ये पॉइंट्स है। तो ए बी की जो लेंथ होगी वो आ जाएगी 5 - 3 = 4, और 4 - 2 ये भी 4, सो 4√4 देयर विल बी 2√2। अगर ये 2√2 है ना, तो जो ओपी लेंथ होगी ना वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, वो होती है √3/2 × जो हाइट होती है आपके पास, वो होती है √3/2 × साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, और साइड लेंथ है 2√2, तो ये कट जाएगा और आपको मिलेगा √6। इसके अलावा हमें एक चीज और चाहिए होगी, हमें इस लाइन की स्लोप चाहिए होगी। तो क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो नीचे वाली लाइन की स्लोप निकाल के हम इसकी स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो नीचे वाली लाइन की स्लोप अगर m मान लेते हैं, तो m, इसको m डैश, तो देखिए m की वैल्यू है हमारे पास में कितनी, 4 - 2 / 5 - 3, सो देयर विल बी 1। m अगर 1 है तो m डैश कितनी हो जाएगी, -1, तो वहां से जो एंगल आ जाएगा वो आएगा आपका 135 डिग्री, क्योंकि हमें एंगल ही चाहिए। अब देखिए हमारे पास में एंगल है, हमारे पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, और हमारे पास में ये लेंथ है OP और OP डैश, ठीक है। तो पैरामेट्रिक से हम पॉइंट P और P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं, 4 ± ठीक है ना, R कितनी थी, √6 × cos 45, सो √6/√2, cos 135 होता है आपके पास सामने, -1/√2। और साथ में जो Y कोऑर्डिनेट आएगा आपके सामने, ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स कितना आएंगे, 3 ± √6 × sin 135, जो कि √2 होता है, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो देखिए जब यहाँ पर आप प्लस साइन लोगे तो बाहर से नीचे से माइनस साइन है, तो यहाँ माइनस और उधर प्लस, जब इधर प्लस और लोगे तो उधर माइनस, तो आपको मिलेंगे, इधर तो आएगा 4 - √3, तो उसके साथ में 3 + √3, और जब 4 + √3 लेंगे तो आएगा 3 - √3, और इस तरीके से आपका पहला और दूसरा ऑप्शन, ये दोनों क्या है, सही आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना था। चलिए ये दोनों आ गए हैं, तो आगे वाले आएंगे नहीं, वैसे भी नहीं आएंगे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट में 3 है, जबकि यहाँ पर एक्स में कितना दे रखा है, 4 है, जबकि वहां पर 3 दिया हुआ है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए हमारा, लेट एल बी दी लाइन दिस, इफ दी एक्सेस आर रोटेट बाई 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देन इंटरसेप्ट मेड बाई दी लाइन एल ऑन दी न्यू एक्स एंड वाई एक्सिस आर रेस्पेक्टिवली ए एंड बी, देन हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन सही है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले तो इसकी टेबल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम कौन सा लिखते हैं, यहाँ पर पुराना एक्स और वाई, और इधर नया कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। देखिए अगर आपके पास में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट, इनको एज ए क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और थर्ड में नेगेटिव होगा, बट यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ये 1/√2, ये भी 1/√2, और ये भी 1/√2। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की, तो देखिए कितना आएगा, 2 × स्मॉल एक्स हो जाएगा एक्स प्लस कैपिटल वाई बाई रूट टू, प्लस स्मॉल वाई की वैल्यू हो जाएगी आपके सामने -x + y / √2, और ये आपको कितना दिया हुआ है, ये 2 दिया गया है।
इसको सॉल्व करते देखिए कितना आएगा, 2x माइनस x विल बी x बाई रूट टू और 2y प्लस वाई देर विल बी 3y डिवाइड बाई रूट टू और इक्वल टू में 2 है तो इस 2 को यहाँ पर नीचे ले आए तो आपके जो इंटरसेप्ट हो गए वो क्या आ गए, a की वैल्यू आ गई 2√2 और b की वैल्यू आ गई 2√2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, और ये a और b की वैल्यूज अगर हम यूज करें तो देखिए यहाँ पर हमारे को चेक करना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इसको अगर करें तो 8 प्लस 8 16 ये सही होगा और a माइनस 3b अगर 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो a माइनस 3b ये भी आपका 0 होगा। तो इस तरीके से पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो आपके क्या है, सही है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि a प्लस 3b की वैल्यू 4√2 आएगी, 5 नहीं आएगी तो वो गलत हो जाएगा और फोर्थ तो फिर आपका नन ऑफ दीज दिया ही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन आपके क्या है, सही है। बस एक छोटी सी ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी कि क्या होता है, तो इसको आप बहुत इजीली टैकल कर सकते थे। चलिए बात करते हैं आगे, देयर विल बी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक कंडीशन दी गई है और बोला गया कि ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये कौन से फिक्स पॉइंट से पास करेगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो हमने पीछे भी किए हैं, सबसे पहले इसी कंडीशन से देखना है कि आपको लीनियर रिलेशन क्या आएगा। देखिए 16 ए स्क्वायर माइनस 40 ए सी प्लस 25 सी स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर। इसको मैंने एक साथ क्यों लिया, क्योंकि देखिए ए और सी की टर्म यूज हो रही है, दैट मीन्स इन तीनों में कुछ बनेगा और ये बिल्कुल आपका बन रहा है 4a माइनस 5c का होल स्क्वायर और साथ में यहां पर बन जाएगा 6b का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। वापस देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो यहां से आएगा 4a प्लस 6b माइनस 5c और एक फॉर्मूला बनेगा 4a माइनस 6b माइनस 5c विल बी इक्वल टू 0। 6b एक बार पॉजिटिव आएगा एक बार नेगेटिव, बाकी डेटा सेम रहेगा। तो देखिए हमें प्लस सी लेके आना है अगेन, देखिए इसको बनाने के लिए तो देखते हैं कि क्या बन रहा है। प्लस सी के लिए इसको माइनस 5 से डिवाइड किया तो एक इक्वेशन तो मिलेगी, माइनस का 4/5x माइनस का 6/5y और प्लस सी इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन मिलेगी इसको माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4/5x ये प्लस हो जाएगा 6/5y प्लस सी विल बी इक्वल टू 0। तो प्लस सी होने के बाद में x की वैल्यू माइनस 4/5 माइनस 6/5 माइनस 4/5 और प्लस 6/5, तो ये ऑप्शन आपके सही होने चाहिए। तो एक तो पहला ऑप्शन और एक x नेगेटिव y पॉजिटिव आपका सेकेंड ऑप्शन, बाकी तो गलत दे रखे हैं 2/5, यहाँ पर 4/5 दे रखा है लेकिन प्लस का है तो प्लस का 4/5 x कोऑर्डिनेट कहीं भी नहीं है, तो आपका पहले और दूसरे ऑप्शन दोनों यहाँ पर क्या होंगे, सही होंगे। तो चलिए बच्चों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है कि आपको दो सर्कल्स दिए गए हैं और फिर आपको बताना है कि ये जो चार अलग अलग ऑप्शन है इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन हमारा सही है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है कॉमन टेंजेंट्स निकालने का, ठीक है, और आगे वाले क्वेश्चनों में भी शायद जरूरत पड़ेगी। इन दोनों सर्कल की पोजीशन देखते हैं कि किस टाइप के हैं दोनों। तो पहले का जो सेंटर है मेरा C1, ठीक है ना, वो दिया मेरे को -1, -2 और C2 जो है मेरे पास में वो कितना है -3, -4। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आ रही है C1 C2 वो कितनी आ रही है, वो आएगी आपके सामने यहाँ पर 4, 1 + 3 -2 का स्क्वायर 4 और 36, सो ये आ जाएगी आपके सामने √40। रेडियस की बात करें पहले सर्कल की, रेडियस R1, सो 1 + 4 देर विल बी 5 + 20, 25 का रूट सो देर विल बी 5 एंड R2 की बात करें अगर सो 9 + 16, 25 - 10 सो देर विल बी √15। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि R1 प्लस R2 का जो सम है ना वो C1 C2 से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, C1 C2 से ग्रेटर आ रहा है और R1 माइनस R2 के मॉडुलस से ग्रेटर होगा। C1 C2 इससे तो कम है और R1 माइनस R2 से लेस है, इसका मतलब ये वाला केस बनेगा आपके सामने, ये वाली पोजीशन बनेगी सर्कल की जो हम पढ़ते हैं कि कौन सी पोजीशन होगी उसमें ये पोजीशन आपकी लाई करेगी और इस पोजीशन के अंदर आपके सामने दो कॉमन टेंजेंट आती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। There are number of common tangents on them will be 2. यहाँ पर दो common tangent आपकी होगी। ये orthogonal होंगे या नहीं होंगे ये depend करेगा 2 times g1 g2, so 2 times g1 is 1 and g2 will be 3 plus 2 times f1 f2, 2 times f1 की value है 2
और F2 की वैल्यू है आपके सामने -4। देखते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 - 16, देयर विल बी -10। और C1 + C2 को अगर हम ऐड करते हैं तो भी देखिए 10 और -20, ये भी -10 आएगा। इसका मतलब ये तो दोनों सेम है, और दोनों सेम है तो ऑर्थोगोनल होंगे, जबकि ऑप्शन में दिया है कि ये ऑर्थोगोनल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑर्थोगोनल है दोनों सर्कल। क्लियर है? ऐसे ही आपसे पूछा है कि आर सच द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। देखिए अगर ये वाला केस बनता है और दो कॉमन टेंजेंट जो आपकी बनती है यहाँ पर, एक इधर और एक यहाँ पर इधर, दोनों की लेंथ सेम होती है, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर का रूट। जिसको नहीं पता है वो कैसे सोल्व करेंगे फॉर्मूला, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके डायग्राम बनाना है। ऐसी एक टेंजेंट होगी, एक इस सेंटर से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक दूसरे वाले सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्लियर? इस तरीके से आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये 90 हो जाएगा। और इसके बाद में आपको ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है यहां पर, ये वाली लेंथ निकालनी है, यही आपकी टेंजेंट की लेंथ होगी। मान लेते हैं कि एल है, ये आपको दोनों रेडियस पता है, इधर वाली 5 है, इधर वाली √15 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये r1 - r2 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस डी हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर। वो आप इस तरीके से ज्योमेट्री बना करके इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए डी और सेंटर के बीच की डिस्टेंस देयर विल बी 40 - r1 - r2 का होल स्क्वायर, 5 - √15 का होल स्क्वायर, और इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 25 + 15, 40 से 40 तो कट जाएगा, और यहां से आ जाएगा 10 √15। 10 √15 का रूट ऐसा हमारे पास में कुछ आ रहा है, और हमें ऑप्शन फोर्थ रूट में दिया है, तो देखिए इसको फोर्थ रूट में कन्वर्ट करते हैं, यहां से इस 10 को भी अंदर ले जाते हैं, तो देखिए ये फोर्थ रूट बन जाएगा, और यहां पर अंदर जाकर के ये बन जाएगा 100, या ये कहें कि 5³ बन जाएगा, 5² 5³ बन जाएगा, यहाँ पर 2 है वो 2² बन जाएगा, और एक उधर 3% है। अब हमें इसमें से एक 5 बाहर दे रखा है, तो इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं और 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर 5 की पावर 4 बनेगा, और उसकी पावर 1/4, तो ये 5 तो बाहर आ जाएगा, और बाकी सब फोर्थ रूट में बच जाएगा, 4 × 3 = 12 / 5 की पावर 1/4। देखिए आपको भी यही दिया है क्या, तो बिल्कुल हमें यही दिया गया है, 5 × 12 / 5 की पावर 1/4, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही है। इसके अलावा मेरे पास में लास्ट ऑप्शन है, देयर आर सच द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज दिस। तो ये जो कॉमन कॉर्ड बन रही है इसकी लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी एक सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें और उस सर्कल की रेडियस यूज करें, और यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। ठीक है, जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आपको ये वाली लेंथ जो है, ठीक है ना, ये लेंथ मिल जाएगी, इस लेंथ को डबल कर लेना, और डबल करते ही आपका ये ऑप्शन भी सही आएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेना, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी आपका क्या होगा, सही होगा। कैसे करना वो मैंने बता दिया, इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर लेंथ और इसकी रेडियस यूज करके ये लेंथ निकालना और इसको डबल कर लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें बोला गया है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड टचिंग द सर्कल दिस। देखिए हमें उन सर्कल का सेंटर निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं और उस सर्कल को टच कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए इन दो पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन होगी x - 0 × x - 0, फैमिली ऑफ द सर्कल से, x - 0 × x - 1 + y - 0 × y - 0। और क्योंकि ये दोनों x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो लैम्डा टाइम y विल बी इक्वल टू 0। ये हमारे सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। क्या आ रही है, x² + y² - x + λy विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए हमें एक ऐसा सर्कल चाहिए जो इस सर्कल को टच कर रहा है और साथ में आप उस सर्कल को ये सर्कल टच करे। ठीक है, उसके लिए हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है और लेमडा जब आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए ये सर्कल इसको चाहे कैसे भी टच कर रहा होगा, चाहे इंटरनली टच कर रहा है या एक्सटर्नली टच कर रहा है, जैसे भी, चाहे इधर टच कर जाए या फिर इधर टच कर जाए, इनकी जो कॉमन टेंजेंट है ना वो दोनों केस में सेम ही आएगी और वो इसी इक्वेशन की आएगी।
और दो सर्कल की अगर कॉमन टेंजेंट निकालनी हो तो एस वन माइनस लेमडा एस टू इक्वल टू जीरो, तो उसको एस वन और इसको एस टू ले, अगर ये एस वन ले तो एस वन माइनस एस टू से देखिए कितना आ रहा है लेमडा, इक्वेशन क्या आ रही है कॉमन टेंजेंट की, एस वन माइनस एस टू ये आ जाएगी एक्स माइनस लेमडा वाई विल बी इक्वल टू नाइन, ये किसकी इक्वेशन है कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना, दोनों की कॉमन टेंजेंट। अब देखो अगर ये कॉमन टेंजेंट है तो इस वाइज जो दूसरा जो सर्कल था ना इसके से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, जैसे उसका जो सेंटर था आपका 0, 0, ठीक है ना, वो आपके सामने किसके इक्वल होगी, वो इसकी रेडियस के इक्वल होगी जो कि कितनी है कि 3, क्योंकि ये इसकी क्या है टेंजेंट है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से देखिए लैम्डा आ जाएगा 0, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9/1 λ² विल बी इक्वल टू 3, इसका मॉड, वैसे मॉड तो कट जाएगा, 9 से स्क्वायरिंग कर दी और स्क्वायरिंग करने से हमें यहां से मिलेगा 1 λ² विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, 1 λ² विल बी इक्वल टू 1, उसकी रेडियस कितनी थी, उसकी रेडियस 3 है, ठीक है, और यहां पर हम 0, 0 पुट किया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी 9/1 λ² हाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो, और उधर रेडियस है आपके सामने 3, तो इधर 3 बच जाएगा, सो देयर विल बी 9, एक 3 कट जाएगा, सो 9 = 1 λ², तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी ±√2, और लेमडा की वैल्यू ये +√2 और −√2 जब आप यहाँ पुट करेंगे इस वाले सर्कल के अंदर तो आप आराम से इसका सेंटर निकाल सकते हैं, इसका जो सेंटर आएगा एक्स कोऑर्डिनेट तो वैसे ही दिखाई दे रहा है कि फिक्स होगा 1/2, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, और x बाई टू को जब आप 1/2 लेमडा की जब वैल्यू पुट करेंगे 2√2, तो 2 कटने के बाद में y की वैल्यू एक बार √2 आएगी और एक बार −√2 आएगी, और आपका थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन हैव इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द सर्कल, ये देखिए बहुत सारी लाइंस है, ठीक है, और आपको ये बताना है कि कौन कौन सी लाइन इस सर्कल के ऊपर इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट कट कर रही है, अगर कट कर रही है तो सिंपल सी बात है कि अगर कट कर रही है तो सब के अंदर आंसर सेम आएगा, क्योंकि जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट सेम तब आएगा जब इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम होगी, क्योंकि सर्कल की रेडियस तो एक ही काम में आनी है, तो इसके सेंटर से लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम आनी चाहिए, तो देखते हैं कि किस किस के अंदर सेम आ रही है। पहले में चेक करते हैं 1, −2 से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो यहां पर आएगी 3 + 2/√10 का मॉडुलस, सो देयर विल बी 5/√10, यहां पर आ रही है 5/√10, इसमें चेक करते हैं 1 − 6 + 10/√10, तो −5 + 10 अगेन 5/√10, यहां पर भी 5/√10 आ रहा है, इसमें चेक करते हैं 1 − 6/√10 का मॉडुलस भी लेना है, सो ये भी 5/√10, इसमें चेक करते हैं −3, एक्स को 1 पुट किया सो +3, वाई को −2 पुट किया सो +5 − 10/√10, इसका मॉडुलस लेना है, यहां से भी 5/√10, तो सभी के अंदर 5/√10 आ रहा है, क्योंकि चारों ऑप्शन में, इसका मतलब यह है कि चारों कट कर रहे हैं, क्योंकि एक कोई को ऑप्शन तो सही होता ही, अगर बाय चांस किसी एक में भी डिफरेंट होता तो फिर हमें यह भी चेक करना पड़ता कि वो लाइन उसको कट कर रही है या नहीं, यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चारों से सेम आ रहा है और चारों से इक्वल इंटरसेप्ट आ रहा है, दैट मीन्स ये चारों जो लाइन है ना वो इक्वल इंटरसेप्ट कट करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स हैव लाइन्स द इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द सर्कल, इस वाले सर्कल पे कौन कौन सी लाइन्स इक्वल लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो ये चारों की चारों लाइन्स आपके सामने क्या हो रही है, इक्वल लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रही है, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चंस और देखते हैं उनका सॉल्यूशन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है देखिए हमारा, एबीसी इज ए ट्राइंगल एंड डी एंड ई आर द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी टू द ऑपोजिट साइड रेस्पेक्टिवली, लेट डी इक्वल टू दिस, ई इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस, देन फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज ए कॉमा बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए सारे डेटा को अच्छे से लिखते हैं और देखते हैं कि कैसे निकलेगा। देखिए एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, ए बी एंड सी, ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया है, ए और बी से ऑपोजिट साइड्स पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डी और ई है, तो इसको ड्रॉ कर दिया, दैट इज डी
और दैट इज ई। और हमें इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, डी है 20.25, ई है हमारा 8.16 और सी है हमारा 10.15। और हमें ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मींस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मान लेते हैं कि ये एच है x, y, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि ये पॉइंट एच आपको दिया गया है डी, और ये साइड्स परपेंडिकुलर है, इनकी स्लोप हम निकाल सकते हैं। 25 - 15 = 10, 20 - 10 = 10, दैट विल बी 1, इसकी स्लोप 1 है। ऐसे इसकी स्लोप निकाल सकते हैं, 16 - 15 = 1, 8 - 10 - 2, 1/-2, इन दोनों की स्लोप हमें पता है। तो इस लाइन की स्लोप भी हम निकाल के एक्स और वाई में दो इक्वेशंस निकालते हैं, एच ई की स्लोप और एच डी की स्लोप, और उनकी स्लोप जो होगी, क्योंकि ये 1/-2 है तो ये 2 होगा, और ये 1 है तो इसकी स्लोप -1 होगी। दो इक्वेशंस मिलेगी, दोनों को सोल्व कर लेंगे तो एक्स कॉमा वाई आ जाएगा, और यही हमारा सिंपलेस्ट तरीका रहेगा इसको करने का। तो पहली इक्वेशन है y - 16 / x - 8, इस लाइन की जो स्लोप होगी वो कितनी होगी हमारी, इसकी 1/-2 है तो उसकी स्लोप 2 हो जाएगी। तो यहां से हमें मिलेगा y - 16 = 2x - 16, ये कट जाएगा, सो y = 2x, हमें एक कंडीशन मिल जाएगी। आगे बात करते हैं दूसरी स्लोप की, इस वाली लाइन की स्लोप आएगी y - 25 / x - 20, और क्योंकि ये मेरे को कितनी दे रखी है 1, तो ये हो जाएगी आपकी -1। तो यहां से मेरे को मिलेगा y की जगह पर 2x - 25 = -1, से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + 20, तो यहां से मेरे को मिलेगा 3x = 45, मीन्स x = 15। x की वैल्यू 15 आ गई यहां से, तो x की वैल्यू 15 यहां पुट करेंगे तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने 30। x 15 है और y 30 है, तो यही आपका ऑर्थो सेंटर है। यहां पर आपको a, b दिया है x, y की जगह पे, तो a आपका 15 हो जाएगा और b आपका 30 हो जाएगा। और a प्लस बी के अगर सम की बात करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 45, जो कि हमारा सही आंसर होगा, या ये कहें कि करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा है कि पॉइंट ए इज सिमेट्रिक टू बी, पॉइंट ए जो है वो बी के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है विथ रेस्पेक्ट टू द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए आपको सिंपल सी बात है कि इस चीज का मीनिंग पता होना चाहिए, इसके बाद में इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स ऐसा लाइन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर जाए, और ऐसी लाइन कौन सी होती है, y = x। तो b है आपका 4, -1, जो कि यहां पर कहीं पर लाई करेगा, और इसकी जब आप इसके अंदर इमेज की बात करेंगे तो वो पॉइंट आपका a होगा, जो कि इस लाइन के अंदर जैसे ही y = x में इमेज निकालते हैं तो पॉइंट इंटरचेंज हो जाता है, तो वो यहां कहीं पर आएगा, दैट इज -1, 4। a और b के बीच की डिस्टेंस आपको लैम्डा रूट 2 दी है, तो आप खुद निकाल सकते हैं, 4 + 1 = 5, देयर विल बी 25, 4 + 1 = 5, सो 25 का रूट, सो देयर विल बी 5√2, और ये दिया है आपको कितना, लैम्डा रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5, और यही आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको एक छोटा सा पार्ट पता होना चाहिए, उसी के थ्रू आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे पूछा है कि ए बी और सी अगर ये तीन वर्टेक्स है किसी ट्राइंगल ए बी सी के, तो सबसे पहले देखिए इसको, क्योंकि ये पॉइंट कुछ ऐसे दिए हैं और शायद हमें आगे चल के इसमें एरिया के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ है, बिल्कुल एरियाज के बारे में डिस्कस हुआ है, तो इसको ड्रॉ करते हैं ताकि एरिया निकालने में थोड़ी हेल्प हो सके। ए है हमारा 0.0, बी पॉइंट है मेरा कितना 2.1, और सी पॉइंट है मेरा 3.0, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, और 2.1 कहीं पर यहाँ पर होगा, बी पॉइंट दैट इज 2.1, तो इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये ए बी और ये है मेरा सी। तो एक तो आपको ए बी सी का एरिया ही निकालना है, तो ए बी सी का बेस आ जाएगा 3 और हाइट हो जाएगी आपकी कितनी 1, तो ए बी सी का जो एरिया हो जाएगा वो तो हो जाएगा आपका कितना, देखिए
1 by 2 into base into height 3 into 1, so there will be 3 by 2. अब बात करते हैं BDK का एरिया. BD क्या है? BD is the altitude. ठीक है ना, B से D altitude opposite sides पर draw करोगे तो यही आएगा. तो ये एक perpendicular line होगी, x-axis के perpendicular है, means एक vertical line होगी. ठीक है, ये हमारा अच्छी तरीके से draw करने का फायदा हो गया. The line through D parallel to the side AB, AB के parallel एक line draw करनी है. ठीक है, जो कि आपको intersect the BC at the point K, इसको point K के ऊपर intersect कर रहे हैं. If the product of the एरियाज ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी हम निकाल चुके हैं, बी डी के, ठीक है, इस ट्राइंगल का हमें और एरिया निकालना है, ये वाला. तो ये एरिया निकालने के लिए सिंपल सी बात है, मेरे को के चाहिए, और के चाहिए उसके लिए आपको डी के और बी सी का इक्वेशन चाहिए. तो बात करते हैं, देखिए डी सी और बी के का इक्वेशन क्या होगा. तो बी सी का इक्वेशन तो बहुत ईजीली आ जाएगा, वाई माइनस जीरो विल बी इक्वल टू वन माइनस जीरो डिवाइड बाई टू माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री. माइनस वन आएगा, सो माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री. ये तो हो गया बी सी का इक्वेशन. अब डी के का इक्वेशन निकालने के लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मेरे सामने टू कोमा जीरो, ठीक है, तो उसका इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि इस लाइन की स्लोप चाहिए होगी, जिसके लिए आपको दिया गया है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है. तो देखिए इसकी इक्वेशन इधर निकालते हैं, डी के की इक्वेशन, इसकी स्लोप है आपके सामने कितनी, वन बाई टू, तो उसकी स्लोप भी 1 बाई टू होगी. तो ये हो जाएगा y माइनस जीरो इक्वल टू 1 बाई टू इंटू एक्स माइनस टू. तो यहाँ से ही आ जाएगा 2y विल बी इक्वल टू x माइनस टू, यानी कि x माइनस टू वाई इक्वल टू टू. ये तो है आपके सामने किसकी इक्वेशन, ये तो है dk की इक्वेशन, और ये इक्वेशन किसकी थी, ये इक्वेशन थी हमारे सामने bc की. अब देखिए इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए भी, क्योंकि ये एक वर्टिकल लाइन थी हमारे सामने जो थी, ठीक है, तो इसका जो एरिया जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो इसके लिए इसको हम बेस यूज करेंगे और इसको हम हाइट यूज करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, और उसका एरिया हम इजीली निकाल लेंगे. और एक्स निकालने के लिए वाई को रिप्लेस कर दिया, तो वाई की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन के अंदर कितनी, थ्री माइनस एक्स. तो देखिए एक्स माइनस वाई की जगह पर पुट कर दिया, थ्री माइनस एक्स और इक्वल टू में दे रखा है आपको कितना, टू. तो ये आ जाएगा आपका x माइनस सिक्स प्लस टू एक्स इक्वल टू टू. तो कितना आ जाएगा, देखिए एट बाई, सही किया गया, हाँ सही किया, एट बाई थ्री. एक्स विल बी इक्वल टू एट डिवाइड बाई थ्री. एक्स एट बाई थ्री है यहाँ पर, ठीक है. तो देखिए इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट जो भी आएगा, ठीक है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है. इसका बेस का काम करेगा आपका बी डी साइड, जिसकी लेंथ वन है, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट वन है. तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, देखिए 1 बाई टू इंटू बेस 1 इंटू हाइट, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, और इसका x कोऑर्डिनेट 8 बाई थ्री है, और माइनस इसका x कोऑर्डिनेट 2 है. यहाँ पर इस लाइन पर कहीं पर भी देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट 2 आएगा. तो ये आ जाएगा आपका 2 बाई थ्री, 2 से 2 कट जाएगा, सो दैट इज 1 बाई थ्री. तो आपको क्या करना है, इस एरिया को और इस एरिया को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 बाई टू इंटू 1 बाई थ्री, 3 से 3 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा लैम्डा बाई टू इक्वल टू 1 बाई टू. तो 2 से 2 कट गए और लैम्डा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 1, जो कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा. ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से करें ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए और कोई भी गलती ना हो. चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मेरे को दिया है कि ABC एक ट्राइंगल है. फिर से देखिए ट्राइंगल्स पर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं ना. चलिए करते हैं बात. ABC एक ट्राइंगल है जिसका ऑर्थो सेंटर 2,3 है और सर्कम सेंटर 0,0 है. इफ द इक्वेशन ऑफ द साइड BC इज x प्लस y इक्वल टू 1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A आर A,B, देन फाइंड A प्लस B का मॉडुलस. देखिए करते हैं बात. सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाया जिसके अंदर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं कितने, ए कोमा बी, और यही आपको निकालने हैं. इसका ऑर्थो सेंटर दिया है 2,3 और एच पॉइंट है कहीं अंदर, दैट इज 2,3, और इसका सर्कम सेंटर भी हमें दिया है, दैट इज ओरिजन, ओ के कोऑर्डिनेट से 0,0. मान लेते हैं कि ओ यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, कहीं भी मान सकते हैं.
साइड बी सी का इक्वेशन दिया है, इस साइड का इक्वेशन दिया गया है हमें एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू माइनस वन, कोई बात नहीं। देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए ए प्लस बी। देखिए कैसे ही करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि इस ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होगा, जिसका सेंटर ओ है, तो एच की अगर मैं इसके अंदर इमेज लूंगा तो वो सर्कम सेंटर पे लाई करेगी, तो ये हमारा काम में आएगा। और ए प्लस बी और 0.0, ठीक है, इससे अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन की बात करूं तो सेंटर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमारी जो रेडियस आएगी वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आ जाएगी, और वो आएगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आएगी यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे सर्कल की इक्वेशन है, इसके अंदर हम एक्स वाई की वैल्यूज पुट करेंगे, तो ए और बी निकालेंगे, और एक्स वाई निकालने के लिए आपको 0.2, 0.3 दिया है, तो उसकी आप इस लाइन के अंदर इमेज निकालें सबसे पहले, तो कितनी आ रही है उसके बाद में आगे बात करते हैं। चलिए 2.3 की इस लाइन में इमेज निकालेंगे तो आएगा x माइनस 2/1 y माइनस 3/1 विल बी इक्वल टू 2+3 पुट कर दिया, देयर विल बी 5+1 6/2। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से -4 और y की वैल्यू आएगी -6+3 दैट इज -3, ये y आ जाएगा। तो इस जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -4, -3। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है, तो इसमें जब पुट करेंगे तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिलेगी, और वो कंडीशन होगी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसका सम आ जाएगा आपके सामने 16+9 25। ये आपको एक कंडीशन मिल गई ए और बी में। ऐसे ही आपको एक कंडीशन और निकालनी है, और वो कैसे निकालेंगे देखिए, वो ऐसे निकालेंगे कि हमें इस ऑल्टीट्यूड्स को अगर हम आगे ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो इसके ऊपर जो पॉइंट ए कोमा बी है हमारे सामने, ठीक है, ए कोमा बी, और साथ के अंदर क्योंकि ए से हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, ठीक है, तो एच वाला जो पॉइंट होगा वो इस पे होगा, और ये -4, 3 वाला जो पॉइंट होगा वो भी इसी के ऊपर होगा, क्लियर है। तो इन दोनों पॉइंट से जो स्लोप आएगी, ठीक है ना, वो लाइन आपके सामने इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस वन के। इसकी स्लोप -1 है, इसका मतलब इसकी स्लोप 1 होगी, और यहाँ से जब हम बात करेंगे स्लोप की तो हमें मिलेगा b+3/a+4 दैट विल बी इक्वल टू कितना, उसकी -1 तो इसकी 1, तो यहाँ से आपको मिलेगा b+3 = a+4। तो यहाँ से a और b के अंदर कंडीशन क्या मिल रही है, बी विल बी इक्वल टू ए प्लस वन, ये हमारी दूसरी कंडीशन आ गई ए और बी में। इन दोनों को अगर जब आप सोल्व करेंगे, यहाँ पर बी की वैल्यू पुट करें ए प्लस वन, ठीक है, तो आपको दो पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सोल्व आप लोगों को करनी है। एक आएगा -4, -3 और एक पॉइंट आएगा आपका 3, 4। आप चाहो तो इसको तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। देखिए ए -4 होगा तो -4+1 -3 हो जाएगा, ए 3 होगा तो 3+1 b4 आ जाएगा, ये दो आंसर्स आएंगे आपके। अब देखिए ये पॉइंट तो पॉइंट ए हो नहीं सकता है, क्योंकि ये पॉइंट तो आपका किससे आ रहा है, इमेज से आ रहा है, तो आपका जो पॉइंट ए होगा वो ये होगा, और इसके अंदर अगर हम इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स का सम का मॉडुलस करेंगे अगर, तो ए प्लस बी का जो आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और वैसे अगर आप ये भी ले लोगे बाई चांस गलती से, तो भी मॉडुलस लगा हुआ है, आपका आंसर गलत नहीं होगा, सही ही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको बोला गया है कि ए सर्कल पासेज थ्रू दी पॉइंट 3, 4। एक सर्कल 3, 4 से पास कर रहा है, एंड कट दी सर्कल, दिस इज ऑर्थोगोनली, इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो मान लेते हैं कि सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx+2fy+c विल बी इक्वल टू 0 है। ये 3, 4 से पास कर रहा है, तो यहां से आएगा 6g+8f और साथ में कितना आ जाएगा प्लस सी, और ये हो जाएगा 9+16+25 विल बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन, ये इस सर्कल के साथ ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो 2g1g2 0+2f1f2 0 इक्वल टू c1+c2, इसमें c है और उसमें -a2, ये 0 होना चाहिए, तो c की वैल्यू आ गई a2, ये दूसरी कंडीशन। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द ओरिजन फ्रॉम द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस सर्कल के सेंटर का लोकस चाहिए, इसका मतलब ये हो गया हमें g को, सेंटर क्या होता है, -g को,
और माइनस एफ को रिप्लेस करना है किससे, एच कोमा के से। तो इसमें रिप्लेस करते हैं, देखिए जी को किससे रिप्लेस करना है, माइनस एच से, और एफ को रिप्लेस करना है सेंटर का लोकस, मतलब माइनस जी कोमा माइनस एफ का लोकस। इसमें पुट करते हैं इक्वेशन में, देखिए कितना आ रहा है, जी की जगह पर माइनस एक्स पुट किया तो ये आएगा माइनस सिक्स एक्स, यहाँ पर आएगा माइनस एट वाई प्लस सी, और सी की जगह पर क्या पुट कर सकते हो आप, ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 25 विल बी इक्वल टू जीरो। और ओरिजिन से आपको क्या करना है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो आपको 847 दी है, तो 0.0 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस 25 डिवाइड बाई 100 का रूट, और ये कितना दिया आपको 847। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 25 कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा आपका 8470, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है तो मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8445। अब इतना बड़ा आंसर देख के घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको ए स्क्वायर ही पूछा है और यही आपका आंसर होगा। तो फाइनली आपका आंसर जो भरना है वो है 8445, 4 डिजिट के अंदर आपका आंसर आएगा जो कि आपका सही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको पूछा गया है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स x, y हैविंग इंटीग्रल कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइंग द सर्कल दिस, मतलब आपको एक सिंपल सी बात है, ये चेक करना है कि इस सर्कल के अंदर कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल क्या है आपका 0.0, इसका सेंटर है 5.0, ये पॉइंट है, ठीक है, इधर है 0.5, इधर है आपके सामने कितना -5.0, और इधर है आपके सामने 0.-5। तो कैसे करते हैं, काउंट करने होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस के ऊपर देख लेते हैं कितने पॉइंट्स होंगे, एक एक्सिस पे निकालेंगे बाकी सबको डबल कर, मतलब जितनी एक्सिस होगी, सिमेट्रिसिटी, सर्कल सिमेट्रिक होता है, सारे आ जाएंगे। तो 0.0 तो कॉमन पॉइंट है, ये तो इधर भी काउंट हो सकता है, इधर भी, इसको एक बार छोड़ दीजिए, या एक काम करते हैं 0.0 ओरिजिन को सबसे पहले ले लेते हैं 1। अब बात करते हैं इस एक्सिस पे, तो इस एक्सिस पे कितने पॉइंट्स आएंगे, 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0, ठीक है ना, हमें सिर्फ अंदर के पॉइंट्स चाहिए, तो 4 पॉइंट होंगे एक एक्सिस पे, और टोटल ऐसी 4 एक्सिस होगी, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे तो 4×4 देयर विल बी 16। ये हमने एक्सिस के सारे निकाल लिए, सिर्फ एक्स का नहीं निकाला, हमने सारी एक्सिस के कैलकुलेट कर लिए हैं, 16+1 विल बी 17। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के, फर्स्ट क्वाड्रेंट के निकाल के, और उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट उसको थोड़ा सा आपको लिख के देखना पड़ेगा, तो देखिए यहीं पर लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं, कहीं भी लिख सक लिए, यहां पर लिखते हैं। चलिए 0.0 के ऊपर आएगा आपका 1.1, अब 1 के सारे लिख दीजिए, ठीक है ना, जो इस वाली लाइन में आएंगे, y को 1 ही रखिए, x को चेंज कीजिए, 2.1, 3.1, जब तक उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं लिखते रहिए, 4.1, 16+1, 17, और 5.1 तो सबको पता है सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 4 पॉइंट आएंगे इस लाइन पे। अब दूसरी वाली लाइन पे चलते हैं, 2.1, 5, 3.1, 10, 4.1, 17, और आगे सबको पता चल गया कि नहीं होगा। अच्छा, ये तो हमने यूज कर लिए थे ना, अब आपको कहाँ यूज करना है, 1.1 के बाद में 1.2 पे चलना था, ठीक है ना, तो ये तो 1, इसको 2 रखना था, तो 1.2, इसके बाद में 2.2 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसके बाद में आपका 3.2, 9+4, 13 इसको सेटिस्फाई करेगा, और आगे बात करें तो 4.2, 16+4 ये भी सेटिस्फाई करेगा, 5 वाला तो करेगा नहीं क्योंकि वो तो पहले ही नहीं कर रहा था, तो अब कहाँ से करेगा। आगे बात करते हैं, तीसरी लाइन पे चलते हैं, 1.3 सेटिस्फाई करेगा, 2.3 सेटिस्फाई करेगा, और आपके सामने 3.3 सेटिस्फाई करेगा, इस बार 4.3 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 25 हो जाएगा, और 25 इज नॉट लेस देन 25, तो उसको नहीं लेना है। ऊपर चलते हैं फोर्थ लाइन पे, फोर्थ लाइन पे चलेंगे तो वहां पर आएगा 4.1, 1.4 सेटिस्फाई कर जाएगा, 2.4, 16+4 ये भी सेटिस्फाई करेगा 2.4, और 3.4 फिर से नहीं करेगा क्योंकि वो ऊपर वाले 25 हो जाएगा, उसको नहीं लेना है। इसके बाद ऊपर चलेंगे तो 1.5 आएगा, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ मींस पहले क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स आएंगे, इनको काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और इतने ही आपके सामने बाकी सारे क्वाड्रेंट्स में आएंगे, तो ये आपके सारे इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे
1 + 16 + 52, ऐड कर दीजिए 69 आएगा, जो कि आपका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर कितना हो गया आपका 69। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं हम आज के अपने पेपर का लास्ट क्वेश्चन, और उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कैसा आया था। देखिए इसके अंदर आपसे पूछा है कि दो सर्कल्स दिए हैं आपको, ठीक है, और इन दोनों सर्कल्स के बारे में क्या बोला गया है कि दिस सर्कल बाइसेक्ट द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, ये सर्कल इस सर्कल की सर्क्यूमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो सीडी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर कोई भी एक सर्कल दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो सबसे पहली बात तो इनकी कोई कॉमन कोड आएगी, और क्योंकि ये सर्कल उस सर्कल को बाइसेक्ट कर रहा है तो उसका जो सेंटर होगा वो इस कॉर्ड पे लाई करेगा, दैट इज 1, -4। बस दोनों कंडीशंस लगा दीजिए, देखते हैं कितना मिल रहा है। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन S1 - S2, 4x + 2x विल बी 6x, 22y + 8y, 22 में से 8 चला गया तो कितना बचा 14y, और C - D तो C + D हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन है? कॉमन कॉर्ड S1 - S2 = 0, उसका सेंटर इसके ऊपर लाई कर रहा है, इसको ऊपर लाई करवा दीजिए, 6 - 14 × 4 = 6, 4 × 1 = 5, 56, C + D विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल गया C + D कितना आ रहा है आपका 6 - 56, सो देयर विल बी 50। C + D आपका 50 आ गया, और आपको ये बोला गया है कि C and D > 0 मीन्स दोनों पॉजिटिव है, तो CD की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। C + D 50 दिया है तो 50/2 = 25, इसका स्क्वायर किया तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और इधर आ जाएगा आपका C × D। तो C × D की जो आपसे पूछी गई है कौन सी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, और वो कितनी आ जाएगी आपकी 625, तो इसका जो आंसर होगा आपका 625। तो ये आपका क्या है सही आंसर। क्लियर है बच्चों? इसी के साथ आपका आज का पेपर कंप्लीट होता है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप आके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।